जतारा नगर के वार्ड नंबर 12 के नवनिर्वाचित पार्षद नूर उद्दीन अंसारी के घर के ऑफिस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसमें ठेकेदार नूर उद्दीन अंसारी ने बताया कि मुहर्रम के त्यौहार में हम सभी व्यस्त थे, तभी वहीं मोहल्ले के लोगों ने आकर बताया कि आपके घर से धुआं उठ रहा है। जब जाकर देखा तो वहाँ पर आग लग चुकी थी। नूरुद्दीन अंसारी ने बताया कि आग में लगभग 10 लाख रुपये का नुकसान हो गया है। वहीं आसपास के पड़ोसियों का कहना है कि आग इतनी तेज थी कि बुझाने में लगभग 1 घंटे का समय लग गया, तब तक पूरा कमरा जल चुका था। नूरुद्दीन भाई, ये आपका आग कैसे लगी आपके ऑफिस में? ये पता तो नहीं है कि, लेकिन हम ऊपर थे तो नीचे पता चला कि आग लग गई है, धुआं बाहर आ रहा था, तो बाहर बस मोहल्ला वालों ने सबने बुला के बताया कि ये आग लगी है का है। तो चूँकि फाटक चारों तरफ से बंद थे तो एक तरफ खोलने में करीब 10-15-20 मिनट लग गए। इसके बाद जब वो बड़ी मुश्किल में खुले तो अंदर कोई जा नहीं पा रहा था, इतना धुआं गैस भरी हुई थी, आग जल रही थी। बड़ी मुश्किल में फाटक तोड़े, इसके बाद पानी से जेड 4 जेड लगे तो पानी से आग बुझाई। ये करीब लाइट आई जैसे ही, वो करीब 9:45-9:30 के आसपास की बात है। 9:30 हाँ, बस ये लाइट चूँकि 3-4 घंटे थी नहीं, और फिर लाइट आई एकदम, फिर उसके बाद जो है जो भी हुआ हो, अब अंदर चूँकि बंद था कमरा, कोई अंदर का तो कुछ पता नहीं है। कितने का हो गया हुआ आपका करीब? नुकसान तो अब काफ़ी नुकसान, कितना लगभग? 10-15 लाख रुपये का, 10-1 लाख रुपये के आसपास का नुकसान कितना? हाँ, यही कर। जतारा से यूडी न्यूज के लिए लाली झा की रिपोर्ट।